नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपने पाठ कौन सा चल रहा था? पाठ चल रहा था सेवन। पाठ कौन सा चल रहा था? सेवन, डिस्कवरी बुक में। तो बुक रीडिंग हो रही थी इस चैप्टर की। हाफ चैप्टर मैंने करवा दिया था। पाठ का नाम था नक चढ़ी राज कुमारी। तो चलिए आज चैप्टर पूरा करते हैं। तभी अचानक बारिश की बूंदें टप टप करके गिरने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर व्हील चेयर को चलाया। उसके पहिए गीली मिट्टी में नीचे धंसते जा रहे थे। फिर पहियों ने घूमना बंद कर दिया। जब मैं सिंहासन से कूदकर नीचे आई तो मेरे पैर और मेरी नई सैंडल भी मिट्टी में धंस गए। बड़ी मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को निकाला। अब तक मैं पूरी तरह मिट्टी से सन चुकी थी और पानी में भीग चुकी थी। अब शायद सिंहासन छोड़ने का समय आ गया था। सड़क के उस पार स्थित अपने घर के बारामदे में मुझे पापा खड़े नजर आए। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, परंतु कारों और ट्रकों के शोर में उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। पिक्चर देखो, ये कौन है? उसके मम्मी पापा पहने के, ठीक है, वो उसकी व्हील चेयर जिस पर वो बड़े शौक से गई थी। फिर देखो आगे, आगे वाले चित्र में देखो, ये दोनों बहनें हैं, पेंटी और पेंटी, ठीक है। और अब देखो, फिर शुरू करते हैं। मम्मी इधर उधर देखती सड़क की तरफ बढ़ रही थी। मैंने किसी तरह व्हील चेयर को खींचकर सड़क पार की। मम्मी पापा मुझे गले लगाने के लिए दौड़े। सिंहासन को गंदा करने की मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने कहा। सिंहासन? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा मतलब व्हील चेयर? हमें लगा तुम कहीं खो गई हो। आप व्हील चेयर को तो नहीं तलाश रहे थे? मैंने पूछा। पेंटी, हम तुम्हें तलाश रहे थे, कहते हुए मम्मी ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया। घर आकर उन्होंने मुझे रगड़ रगड़ कर नहलाया और फिर पलंग पर लिटाया, जैसा कि वे पैनी के साथ करती थी, क्योंकि वो माँ थी। माँ को कभी नहीं होती अपने बच्चे के प्रति नफरत, ये बच्चों के मन में होता है। कुछ देर बाद मम्मी पापा गुड नाइट कहकर चले गए, पर मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं अकेले काफ़ी देर तक सोचती रही और दुआएं मांगती रही कि मेरी बहन को जिस काम में खुशी मिले वह उसे कर पाई। अब मुझे लग रहा था कि नक चढ़ी राजकुमारी उसके लिए शायद सही नाम नहीं है। ये उसको कब लगा? जब उस पर खुद बीती, जब उसके साथ खुद ऐसा हुआ। लेकिन पहले वो हर बात को मजाक में लेती थी। वो सोचती थी कि ये तो ऐसी मम्मी पापा इसको प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। पर वो ये नहीं सोचती थी कि उसकी ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो अपाहिज है, चल फिर नहीं सकती। वो हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी उसको बोलना पड़ता है, लेकिन उससे ईर्ष्या करना ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी।
अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैंने जो कुछ उसके बारे में सोचा वो सही नहीं था। हाँ बच्चों, अब आपका पाठ ये नकचढ़ी राजकुमारी पूरा हो चुका है। इसकी बुक रीडिंग हो गई है। ये दोनों बहनें हैं, एक बहन अपाहिज है, वो अपनी व्हील चेयर पर चलती है, सब काम अपना व्हील चेयर से करती है, लेकिन जो उसकी दूसरी बहन है वो उससे ईर्ष्या करती है कि शायद ये जानबूझ कर कर रही है, और मम्मी पापा भी मुझे प्यार नहीं करते, उसी को करते हैं क्योंकि वो अपाहिज है और उसको ज़्यादा प्यार करते, मुझे तो नहीं करते। लेकिन ये क्या, उसका बहुत बड़ा वहम था। जब उसने खुद अपने ऊपर ये सब करके देखा, खुद गिरी चोट खाई, तब उसको पता चला कि नहीं, मैं जो कुछ सोचती थी अब तक, जो कुछ भी सोचा था वो मैंने अपनी बहन के लिए गलत सोचा था। अब चलिए इसका अभ्यास वन, डिस्कवरी बुक में पार्ट 7 का अभ्यास वन। दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। नकचढ़ी राजकुमारी किसे कहकर पुकारा गया है? नकचढ़ी राजकुमारी किसे कहकर पुकारा गया है? पैनी को। किसे? पैनी को। ये भी आप अपनी बुक में ऐसे ही कर लेना। व्हील चेयर से गिरने पर पैंटी ने किसके बारे में सोचा? व्हील चेयर से गिरने पर पैंटी ने किसके बारे में सोचा? नकचढ़ी राजकुमारी। नकचढ़ी राजकुमारी। मम्मी पापा किसे तलाश रहे थे? मम्मी पापा किसे तलाश रहे थे? पैंटी को। किसे तलाश रहे थे? पैंटी को। आखिर में किसने किसके लिए दुआ मांगी? आखिर में किसने किसके लिए दुआ मांगी? पैंटी ने पैनी के लिए। पैंटी ने पैनी के लिए। बारिश होने पर रेनकोट पहने बस का घंटों तक इंतजार कौन करता था? पैंटी। बारिश होने पर रेनकोट, समझते हो ना, बरसाती कोट। बारिश होने पर रेनकोट पहने बस का घंटों तक इंतजार कौन करता था? पैंटी। कौन करता था? पैंटी। ये आप अच्छी तरह देख लो, अभ्यास वन। अब आगे है अभ्यास सेकंड। क्या है अभ्यास सेकंड? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, अभ्यास सेकंड। पहले कर लो अभ्यास थर्ड। अभ्यास थर्ड। दिए गए वाक्यों में सही के सामने ये वाला चित्र और गलत के सामने ये चित्र बनाइए। इसमें क्या है, एक जगह होंठ नीचे हैं और एक जगह चित्र में होंठ ऊपर हैं। ऊपर बना रखा है, एक में नीचे बना रखा है। पैनी सही के सामने होंठ नीचे है और गलत के सामने ऊपर है। पैनी सच में नकचढ़ी राजकुमारी थी? पैनी सच में नकचढ़ी राजकुमारी थी? तो ये वाला चित्र बना देना, ये वाला, ठीक है, यानी कि गलत। बारिश आने पर पापा पैनी को कार से घर ले जाते थे? राइट। ये चित्र बना देना है आपने, वैसे ही आपको समझ भी आ गया होगा। व्हील चेयर पर बैठकर पैंटी राजकुमारी नहीं बनी, बल्कि उसे व्हील चेयर से होने वाली समस्याओं का पता चला। राइट। दिव्यांग पैनी से माता पिता घृणा करते थे? दिव्यांग पैनी से माता पिता घृणा करते थे? गलत। मम्मी पापा को लगा था कि वही चेहर कहीं खो गई है? गलत। मम्मी पापा को लगा था वही चेहर कहीं खो गई है। मैंने आज आपको बच्चों अभ्यास का प्रश्न 1 और 3 करवाया है। सेकंड प्रश्न ये है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी और करवाऊंगी अवश्य। प्रश्न पढ़ लो। कहानी में दर्शाई गई एक मुख्य समस्या है पैंटी का पैनी के प्रति ईर्ष्या भाव।
इस समस्या से संबंधित कारण और प्रभाव सोचकर और एक में लिखिए, इसके अंदर लिखने हैं। उदाहरण के लिए दिए गए एक एक कारण व प्रभाव को पढ़िए, समझिए और एक को पूरा कीजिए। ये करवाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज करवाया है मैंने अभ्यास का प्रश्न 1 और प्रश्न 3। धन्यवाद।